तो फिर गायज आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे गियर्स तो आप देख सकते हैं ये इतने सारे गियर्स हैं मतलब मैं आपको इन्हें सभी का रिव्यू दूंगा और बताने वाला हूँ आप, आपके लिए मैं वीडियो किस गियर से बनाता हूँ और मतलब कैसे बनाता हूँ ये ये मेरे पास सारे के सारे इक्विपमेंट तो आज इन्हें इनके बारे में बताता हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है अभी मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले गैजेट की जो कि सबसे पहले और हमारे वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और उसके उसी के कारण हमारी वीडियो इतनी ज़्यादा स्मूथ और इतनी ज़्यादा अच्छी आती है वो है हमारा गिम्बल वो गिम्बल जो है वो है मोजा का मिनी एस जो इस गिम्बल की मतलब प्राइस थी वो मैंने मुझे अप्रोक्स सिक्स पैंसठ सौ रुपये में पड़ा था मतलब छः हज़ार पाँच सौ रुपये में इतने रुपये में मुझे पड़ा था और अभी इसके फीचर्स जो है मतलब वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल आती है मतलब आप जे आप जितने भी वीडियो देखते हो लगभग वो इस मोज़ा मिनी एस से बने होते हैं तो काफ़ी अच्छा गिम्बल है और अगर आपको खरीदना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप खरीद सकते हैं ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली है और ये मतलब सबसे ज़्यादा कॉस्टली गियर्स में से ये है बस यही मोजा मीन एस और काफ़ी अच्छा है फेस ट्रैकिंग वगैरह सारे पोर्ट्रेट मोड वगैरह इसके अंदर सारे सारे जो फीचर्स है वो सभी है मतलब चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट का यूज़ होता है बाकी मैक जो भी है काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है मतलब मुझे ये गिम्बल काफ़ी ज़्यादा पसंद है और बजट में भी मोबाइल गिम्बल में सबसे अच्छा ये गिम्बल है मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है और अगर आपको चाहिए ये तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हम इस ए टू बजट जो फैमिली है वो इसे ही से यूज़ करती है तो फिर अभी मैं बात करता हूँ सेकेंड गियर जो कि है ट्राईपोड जो कि मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है थोड़ा सा सस्ता सा ही है मतलब ये अप्रोक्स आपके तीन से चार सौ में मिलता है मोबाइल होल्डर के साथ तो ये है मतलब ट्राईपोर्ड कुछ इस तरीके से है आप देख सकते हैं ये नॉर्मल ट्राईपोर्ड है इसकी हाइट काफी ज्यादा एक्सटेंड होती है देखो ये मैं आपको एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ वीडियो लंबी हो जाएगी वरना थोड़ा सा अभी जो है मैं इसे करता हूँ आपके ये और इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन है मैं अभी आपको दिखाता हूँ तो बस ये इतना हाइट होता है इतने हाइट में हमारे वीडियोस का काम हो जाता है अगर आप में जरूरत होती है तो बाकी हमारे पास मोजा का गिम्बल भी है मैंने आपको पहले दिखा दिया है वो इतना महंगा है कि इसका उसका मतलब ज़रूरत पड़ता है पर बहुत ज़्यादा मतलब कम होता है इसकी जु, इसकी ज़रूरत बाकी ये है अभी अभी हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की ओर जो कि अभी मैं बताता हूँ आपको माइक का ये माइक जो है सेकेंडरी माइक है हमारा जो प्राइम प्राइमरी माइक है जो अभी लगा हुआ है मेरे इस कॉलर के अंदर आप देख सकते हैं ये वाला ये है जेबल का आर सी जीरो वन आप देख सकते हैं ये है जेबल का आर सी जीरो वन काफ़ी अच्छा माइक है मतलब आप जब भी मैं टेबल का वीडियो शूट करता हूँ जैसे एड्रीनो का हो गए किसी प्रोजेक्ट को बनाने के में हो गए स्परिचुअल में मैं हमेशा ही इसी जो है को, को लेपल माइक यानी कॉलर माइक का यूज़ करता हूँ बाकी ये जेबल का आर सी जीरो वन ये है एक एक अच्छा माइक है कंडेंसर माइक इसे बोलते हैं शायद नहीं कैरियो के माइक बोलते हैं शायद हाँ कैरियो के माइक तो ये कैरियो के माइक काफ़ी अच्छा है और ये है इसकी केबल ये रही ये इसकी केबल है काफ़ी अच्छा है बाकी ऑडियो क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छा है अगर आपको ये भी परचेज़ करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं बात करता हूँ ये हमारे नए गियर की तो ये गियर है जो कि मतलब कभी कभार कभी कभार मतलब बहुत कम यूज़ हुए हो, तो होता है ज़्यादा इधर यूज़ हमारा गिम्बल ही होता है बाकी जो ये है सेल्फी स्टिक है बेसिक है बस ये है आपके मुझे पड़ी थी आपके ढाई सौ से तीन सौ रुपये के बीच में कुछ पड़ा था मुझे और ये जो है ये ये जेबल कमाई की इसकी मैंने आपको प्राइस नहीं बताई थी इसकी प्राइस है तकरीबन साढ़े सोलह सौ सो रुपये सोलह सौ सो पचास रुपये अभी ये है हमारे एडिटिंग के लिए ये यूज़ करते हैं हम ये है आपके स्टाइलिश पेन ये स्टाइलिश पेन है ढाई सौ से तीन सौ रुपये का स्टाइलेशन है एडिटिंग में काम आता है आगे मैं आपको बताऊँगा कि मैं एडिटिंग किससे करता हूँ कंप्यूटर मोबाइल सभी के ये है हमारा सेकेंडरी मोबाइल रेडमी सिक्स ए ये है थ्री जी बी रैम है इसकी और बत्तीस जी बी जो है ये इसका मतलब इंटरनल स्टोरेज है बाकी मेन मोबाइल में मेन मोबाइल जो है हमारा है रेडमी का नोट नाइन सिक्स सिक्स जी बी रैम है वन ट्वेंटी एट जी बी स्टोज है वो मतलब पंद्रह हज़ार रुपये का ये है और एप्रोडक्स आठ हज़ार रुपये का ये है जो वीडियो हमेशा शूट होता है वो रेडमी नोट नाइन से होता है और कभी कभार दो कैमरों की जरूरत होती है तो हमें इसी की इसकी यूज़ लेते हैं फिलहाल हमारे पास कोई डी एस एल आर वगैरह कुछ भी नहीं है तो अभी बात करते हैं हमारे गियर्स तो बस यही है बोया का बाई एमओन ये है गियर वो है भाई वन ये बस ये गियर है अगर आपको ये मतलब हमारे सारे गियर्स पसंद आए काफ़ी इंटरेस्टिंग गियर है वो यार मतलब काफ़ी ज़्यादा महंगा टोटल मैं आपको बताऊँ तो लगभग तीस से पैंतीस हज़ार रुपये के हमारे पास गियर रहती है और बिना किसी मतलब यूट्यूब का मनी कुछ भी नहीं है केवल और केवल मतलब पापा की मेहनत है पापा आए बस सभी हमारे हमारे खुद के पैसे हैं यूट्यूब का कुछ भी नहीं है बस ये हमारे पैसों से लाया हुआ है बस और सब्सक्राइब कर देना यार अब इतने सारे गियर मतलब पैंतीस हज़ार के गियर मतलब ढाई सौ तीन सौ सब्सक्राइबर वाला आदमी कभी आपने यूट्यूब में देखा ही नहीं होगा बस मैं यूज़ करता हूँ पैंतीस हज़ार रुपये के गियर पैंतीस हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं मतलब तो बस तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब तो करना है मतलब जो वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करना है लाइक करना है मतलब देख रहे हो तो लाइक कमेंट सब करना है